नीमच में 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। जिले के विभिन्न शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों, संस्थानों और विद्यालयों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय नीमच पर हुआ, जहां कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने झंडा वंदन किया और मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश भी पढ़ा। समारोह में एसपी अंकित जायसवाल के साथ कलेक्टर ने खुली सफेद जीप पर सवार होकर भव्य परेड का निरीक्षण किया। आकाश में शांति के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े गए। परेड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच सशस्त्र पुलिस बल, जिला पुलिस बल, वन विभाग, शौर्य दल, एनसीसी, स्काउट गाइड दल, रेड क्रॉस दल, सीआरपीएफ और जिला पुलिस नीमच की बैंड टुकड़ी शामिल थी। स्वतंत्रता दिवस पर सामूहिक पार्टी प्रदर्शन और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समारोह के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों, खिलाड़ियों और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेश पाटीदार और मंजुला धीर ने किया, जबकि परेड कमांडर के रूप में रक्षित आरक्षक विक्रम सिंह भदौरिया ने अपनी भूमिका निभाई। Thank you.
लेके जिले वासियों को 15 अगस्त एवं 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से संपूर्ण मध्य प्रदेश में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर अभियान कर अपने साथ लें और अपने घरों पर व्यवहारिक संस्थानों पर सभी जगह तिरंगा फैलाएं। सभी नीमच वासियों को 15 अगस्त और 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। 15 अगस्त हमारे जो वीर सपूतों हैं उनके बलिदान का प्रेरणा देता है। हम सभी नागरिक को वो 15 अगस्त जो है वो दिल से मनाना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे आचार और विचारों में भी वह प्रदर्शित होना चाहिए और हमें सभी को मिलकर देश को समाज को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी रहना चाहिए। धन्यवाद। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ विनोद गुर्जर की रिपोर्ट।